All right, so for anyone who's been around here a long time or has come back to visit the channel, you are probably familiar with, well, that's my other channel. You shouldn't watch that specific video probably, but if you're into anything Clerks or Kevin Smith, there's been a lot of videos on there recently, but you'll recognize this auto playing whenever you go to the main page, because this is my Hindi Medium trailer reaction 5 years ago. It's the only trailer I can think of that ever made me cry, and now thanks to your votes on the community tab and the patrons, that is the next movie. I mean, you know that, you clicked on the video, why am I telling you? But yeah, after 5 years, it's finally time. The time has come to watch Hindi Medium. Thank you for coming over the first 10 minutes reaction. If you want the full reaction, you've seen it on the screen or that link's down below. It's been 5 years. Let's not wait any longer. ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਰੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹਮਾਰੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈ ਨਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਹਿਨਨੇ ਕੀ ਅਬ ਤੋ ਇਹ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ ਮਾਰੇਗੀ ਹਮ ਤੋ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖेंगे ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੀਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਮਸਤੇ ਨਮਸਤੇ ਬੇਟਾ ਨਮਸਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸਮਝੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਔਰ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਵਖਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ये कह रही थी बस ये डिजाइन है सेम टू सेम बस यही बनाना है मैंने कहा मास्टर जी बना देंगे मैं क्या पहन जी बच्ची तो बड़ी मॉडर्न हैगी है थोड़ी बच्चे तो आजकल सारे ही मॉडर्न होते हैं गल थोड़ी बिल्कुल सही है जी पर साडा राज बड़ा ही सिंपल है जी आप नाप लो जी हाँ भी ठीक हैगा आ जा पुत्र इधर आ जा कंधा 14.5 हां जी एक मिनट शाबाश अब भैन जी ये बैक ज्यादा डीप नहीं है, है? मैंने तो पहले ही समझाया था आप चेंज कर दो अपने हिसाब से सारा डिजाइन गड़बड़ हो जाना है मेरा अड़ोस पड़ोस का डिजाइन भी तो देखना पड़ता है ना मीता बेटे नहीं जा रसीद लेके आ हाँ, ओए तू रसीद फड़ा छेती हां जी मास्टर जी आप इसके नीचे ना नेट लगा देना हेलो जी इनको है ना डिजाइन डिजाइन की ज़्यादा समझ नहीं है अब मुझे है मैं बनवा दूंगा जी सेम टू सेम सेम टू सेम सेम टू सेम आह दैट्स स्वीट रसीद मिल गई मीता चल इस बार ना चक्कर नहीं कटवा रहा आपको बिल्कुल चिंता ना करो बहन जी चंगा बहन जी रब रखा बाय बेटा बाय बाय It's not him, is it? Oh, it is. Okay. Khamoshiyan jo sun le meri inme tera hi zikr hai Khamo me
जैसे तू कोई हो। हा, that was a great cut. What a great transition. 1000 पूछ लिए। कमाल कर रहे हो आंटी जी, है मतलब बंदे को दिमाग में आइडिया तो होना चाहिए ना कि आपको क्या चाहिए। नहीं चलो कोई नहीं, अब आपको एक ऐसा पीस दिखाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा वो पीस, लिखवा लो मेरे से, लिखवा लो। अच्छा दिखाओ ना भैया जी, बात ही बनाए जा रहे हो तुमसे। हां गारंटी, लो जी ये लो जी। आया ना, आया मजा। इस पीस को पहन के आप बहुत हैंडसम लगोगे। स्वीट तो है भैया जी, लेकिन पहले ना मुझे ओरिजिनल वाली पैम्फलेट दिखाओ। वैसे आप गदर लगोगे इसमें, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी देख लो। दिखाओ तो ना। कंपेयर कर लो जी, एकदम जीरोक्स कॉपी वाली है जी। कोई कह दे गलत है। अरे भैया जी इसका तो कलर फेड है, देखो ये लाइट व्हाइट है, ये ब्राइट व्हाइट है, फर्क और डिजाइन में भी कितना फर्क है। और देखो ऐसे क्या फिटिंग दी है, इतनी प्यारी फिटिंग दी है यहाँ से। लड़की की फिगर भी तो देख लो। मम्मी तू ना जाके इसी को बेच दे, हमारा क्यों टाइम खराब कर रहा है, तू चल यहाँ से। इंसल्ट कराने नहीं आए ओके? हाँ। दो केजी कम हो जाएंगे ना, कैटरीना से ज्यादा हॉट लगी मैं। तो यार कितनी बार कहा है, बंदा देख के धंधा किया कर छोटू, वैरायटी दिखाने के बजाय सोसाइटी समझना जरूरी है। अरे ये तो देख ले कौन कहाँ से आ रहा है, किसको क्या डिजाइन पसंद आ रहा है, कौन सा कलर किसको भा रहा है, इस सबका पूरा आइडिया लग जाए ना, उसके बाद एक कड़क पीस दिखा मन को भा जाए। Myself राज बत्रा जी, ओनर ऑफ बत्रा फैशन स्टूडियो। ओनर अरे हाँ जी बहन जी, क्या दिखा दूं? मींस कोई हैप डिजाइनर का कुछ दिखाइए। ओ आप तो करीना जैसे लगते हैं, आपको तो मनीष बोले तो ही पसंद आना है, मुझे पता है। का तने रिजेम्बलेंस है। चलो ऊपर से मनीष बोले तो लहंगा उतार ला। वही तो दिखाया है। ऊपर वाला नहीं जमा तो नीचे वाला लिया, नया वाला लिया जिसकी पन्नी भी नहीं फटी अभी तक, बोलिया नया वाला। ऊपर से नीचे तो जाना है, सवाल भी कर रहा है, रह लिया। बहुत सवाल पूछता है, बड़ा चैन। हाँ जी क्या लेंगे, चाय या कॉफी? देखो जी इनकी तो शादी हो रही है, इनको तो अब पीते डाइट को की पिलाओ। आप बता दो आपके लिए क्या मंगा दूं जी? फलूदा की लस्सी जी, वो लस्सी तो हैवी हो जाएगी। आप डॉली से पूछ लो इसका मन है तो। मन है आपका, दिल कर रहा है तुम बता। तू खाएगी, खाना चाहते हो? चल तू फलूदा मंगाएगी तो तेरे साथ। चलो ऐसे करते हैं, हम लाइट रखेंगे, एक फलूदा शेयर कर लेंगे आपस में। हाँ जी ठीक है, थोड़ा सा महंगा दिखा रहा हूँ। फलूदा लिया? हाँ फलूदा लिया, थोड़ी महंगी चीज़ दिखा रहा हूँ, लेकिन चीज़ ऐसी है कि छू के पसंद आ जाएगी आपको। ये माल क्या है ना कि दुकान में खुलता नहीं है जी, ये तो आता है और सीधा VIP को चला जाता है। मनीष मल्होत्रा लेटेस्ट ब्राइडल कलेक्शन फर्स्ट कॉपी देखिए। मनीष मल्होत्रा हाँ? दुल्हन से अच्छा कोई लग गया ना, बंदे ने डिजाइनिंग ही छोड़ देनी है। दो तीन आपने देख लिए ना, दो तीन बार शादी का बन हो जाएगा आपका। He's a real charmer. He knows how to be a salesman. ये है भी दुपट्टा ट्रेडिशन, लड़के के माता पिता देखे ना फिदाई हो जाएंगे। और ये बैकलेस चूड़ी, ये मॉडर्न। अजी दूल्हे की जब नजर पड़ेगी ना, नजर हटा नहीं पाएगा वो। ये होगा ट्रेडिशनल, ये हो गया मॉडर्न, ये ट्रेडिशनल। अरे फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। इनकी बातें सुन के तो दोनों प्यारे लग रहे हैं। दीसा दिखा दूं? समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ले। अरे माता रानी का फोन है, जल्दी निकाल दे। हां जी हां जी तो भाई ये हेलो हेलो निकल गया, निकल गया। अरे रास्ते में हूं। हां हां बस 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 पहुंच गया। जा रहे हैं?
बेंच जाना पड़ेगा, जरूरी है। अरे पर कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं, आपने लिखा है कस्टमर इज गॉड। कस्टमर तो गॉड ही होता है लेकिन बीवी ना मात्रा नहीं होती। पूरी बॉडी पे पहले अच्छे से ऑडोबस लगाना है, उसके बाद खेले जाए। अरे दीदी पर मच्छरों का सीजन तो है ही नहीं। हाँ मच्छर ना हुआ अल्फेंसो हो गया, सीजन देख के आएगा ना। डेंगू मलेरिया की न्यूज तो सुन लो कितनी आ रही है। अरे वो तो पिछले सीजन के है जो ठीक ना हो रहे हैं। अच्छा बड़ा डाटा है तेरे पास, तू एक काम कर, ये बाई का काम छोड़ के ना हेल्थ मिनिस्टर बन जा। मम्मा ये बस स्टिकी है। व्हाट अ फैन फकिंग fantastic movie. Thank you everyone, and I'll leave this in both versions. Thank you for everyone through the Patreon who saw my experience of this, because I'm gonna warn anyone who's here in the 10-minute reaction, whoo, for like 75% of that movie. Spoilers? I mean, you saw the movie, right? Slight spoilers. I was fucking hating the mother. Oh boy, you don't understand how. I mean, I waited, you know, it was a climb, but by the end of that, I was just fully yelling fuck you. And another slight spoiler, but she came around. She did it. I think my daughter's calling because she just got home. I gotta help her get her bike in. But that was fucking fantastic. Thank you for recommending it. I couldn't love this movie more. It lived up to the... It surprised me. It lived up to the trailer. I'm gonna run out right now and help her. It lived up to the trailer. It was so emotional and so great and so dynamic. And fucking thank you. Please check out the full reaction if you want to. Hit a like if you don't want to do that, but you enjoy this first 10 minutes. And fuck yeah, thank you so much. All right, I gotta help my daughter.